हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ब्रेक स्पीक्स में। अब तक की बहुत बड़ी खबर दोस्तों सोनी पल और कलर्स रिश्ते के बारे में। दोस्तों सोनी पल और कलर्स रिश्ते आपको कभी भी देखने को मिल सकते हैं। बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है दोस्तों। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, चलिए जानते हैं विस्तार से। आपको बता दें, डीडी प्रिडिश ने और दो स्लॉट बढ़ा दिए हैं। जैसे कि हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि सोनी पल और कलर्स रिश्ते, इनकी मांग है कि हमको आगे के स्लॉट चाहिए, मतलब आगे के एलसीएन नंबर चाहिए। तो दोस्तों इन चैनल्स की समस्याओं का निराकरण करने के लिए दो स्लॉट बढ़ा दिए गए हैं। ये जो दो स्लॉट है एमपीजी 4 सेटअप बॉक्स में बढ़ा दिए गए हैं। तो दोस्तों अब ऐसा होगा, एमपीजी 2 में जो दूरदर्शन के कुछ आगे वाले जो एलसीएन नंबर के जो चैनल है दूरदर्शन के, उनको एमपीजी 4 में इन स्लॉट पर ऐड कर दिया जाएगा। फिर दो स्लॉट खाली हो जाएंगे, और जैसे ही दो स्लॉट खाली हो जाएंगे आगे वाले, तो उन पर सोनी पल और कलर्स रिश्ते को ऐड कर दिया जाएगा। इससे इन चैनल्स के समस्याओं का भी निराकरण हो जाएगा और ये चैनल ऐड भी हो जाएंगे और आपको बहुत जल्द देखने को मिल भी जाएंगे। तो दोस्तों एमपीजी 4 में दो स्लॉट बढ़ा दिए गए हैं, और एमपीजी 2 में जो चैनल उपलब्ध है दूरदर्शन के आगे वाले एलसीएन नंबर वाले, उनको एमपीजी 4 में शिफ्ट कर दिया जाएगा। फिर एमपीजी 2 में जो स्लॉट खाली होंगे उन पर सोनी पल और कलर्स रिश्ते को ऐड कर दिया जाएगा। दोस्तों जानकारी पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में नए फ्रेश जानकारी के साथ। थैंक यू।